सही नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं ना बैठे बैठे ये आपके जेबरोनी का जेब साउंड स्पीक वायरलेस ब्लूटूथ का देख रहा था, और मैं आज इसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसा है, इसके फीडबैक, इसके बैटरी बैकअप और स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए रहेगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। ये है अपना जेब्रोनी का जैम साउंड बॉम्ब ट्रू बीटी वायरलेस, ठीक है। इसमें जो बॉक्स है कैसे कितना अच्छा है, ठीक है ना। और जो इसके नीचे इसकी बात करें हम, तो ये है इसका जो ब्लूटूथ वर्जन यूज़ किया गया है वो है 5.0 ब्लूटूथ वर्जन का यूज़ किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें आपको मिल जाता है टच असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, वॉइस का जो असिस्टेंट है वो मिल जाता है, टच कंट्रोलर मिल जाता है। और जो इसकी हम चार्जिंग केस की बात करें तो टाइप सी चार्जिंग केस है इसका, ठीक है। और इधर आपको सारा स्पेसिफिकेशंस जो है आप देख सकते हो, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो आप इसमें पढ़ लेना, ठीक है, जूम करके आप, मैं फोकस कर दिया हूँ, आप जूम करके इसको पढ़ सकते हो ऑल केस, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं अनबॉक्स और दिखाते हैं इसके बॉक्स कंटेंट क्या है और क्या क्या इसके साथ मिलता है। सो इसको हम खोल लेते हैं इस साइड से, ठीक है। तो इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही हार्ड है, आप देख सकते हो कि कितनी हार्ड है। और जो हम खोलते हैं इसको नज़र आता है आपको कंपनी का लोगो जेब्रोनिक्स, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसको बाहर, थोड़ा केस इसका जो बहुत हार्ड है, ठीक है। और ओ वाओ, और ऐसे निकालते हुए हमको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है इसका सारा जेब्रोनिक का मटेरियल। इसके अंदर जो है कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम करते हैं साइड में, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जेब्रोनिक का ये सारा सिस्टम। तो पहले इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद हम इसके करते हैं पूरा तिगड़िम बिगड़िम। तो इसको हम करते हैं साइड में, ठीक है। और इसके साथ आपको मिल जाता है दो ईयर प्लग्स मीडियम में और एक स्मॉल में, पता नहीं कौन सा लगा हुआ है, तो लार्ज लगा होगा। और ये देखो इस टाइप सी दे रखा है, आपको मिल जाता है इसमें टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है, जो कि आपको अदर फ़ोनों की, जो जिसके पास टाइप सी फ़ोन होगा वही कर सकता है, अदरवाइज़ आपको अपने डाटा के साथ अटैच करना पड़ेगा। और उसके साथ एक मैनुअल गाइड आपको दे रखा है इसमें, जो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको करते हैं साइड, बॉक्स करते हैं साइड, और अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। तो ये जो हमारा मिल जाता है हमको, ये है अपना जेब्रोनिक का जो बैटरी स्टोरेज का सबसे बड़ा चीज़, ठीक है। क्वालिटी वाइज हम बात करें तो बहुत ही अच्छे इसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पे दे रखा है चार्जिंग के लिए, चार्जिंग केस यहाँ पे दे रखा है। और कलर जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, कलर वाइट कलर में आपको मिल जाता है। और इसको बॉक्स करते ही आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बाहर दे रखा है, ये जो दोनों के दोनों ईयरबड है, ईयरफोन जो है, ये दोनों के दोनों बाहर दे रखा है, तो राइट दे रखा है और ये दे रखा है लेफ़्ट, ठीक है। तो राइट लेफ्ट, ये मैग्नेटिक भी है जो अब हम इसको लगाते हैं राइट साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है इस साइड राइट है, इस साइड है लेफ्ट। तो राइट वाले को राइट में डालते हैं, है ना, और ये ऑटोमेटिकली चार्ज लेने लगेगा, देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली आपको चार्ज दोनों को, दोनों देखो यहाँ पे जो दोनों सिस्टम है ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगे। देखो इसमें भी लाइटिंग स्टार्ट हो गई, इसमें भी लाइटिंग स्टार्ट हो गई है, अब दोनों के दोनों ये चार्ज हो रहे हैं। इसको हम केस ऐसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे लाइटिंग आपको दिखा रहा है कि ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लाइट ऑफ कर लेता हूँ, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये चार्ज हो रहा है। तो इसकी जो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, प्लास्टिक का है, पूरे प्लास्टिक है। बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप बहुत ही शानदार है, आप इसको 2 से 4 घंटे तक आप इसको चार्ज करके एक बार में 4 घंटे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो इसका स्टोरेज है वो आप 3 टाइम चार्ज कर सकते हो अपने ईयरफोन्स को, और ये आप 2 से 3 से 4 घंटे तक आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ईयरफोन में, बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल है। तो मैं इसको लगा के अभी एक बार ट्राई करूँगा, ठीक है, मैं इसको लगा के देखता हूँ मेरे कानों में कैसा फिट होता है। ये कम्फर्टेबल, बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। और जो इसकी कलर है ना, वाइट कलर, आई लाइक इट, बहुत मेरे को पसंद है इसका वाइट कलर, ठीक है। तो अब हम सिस्टम है, ये मैग्नेटिक है, आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक है,
बहुत दिनों में इसको लेके खेलता रहूँगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक करके इसको टेस्टिंग कर रहा। तो अपने फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसको पहले ऑफ़ करते हैं और इसको हम खोलते हैं अपने। सो गाइस, मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया है। और जो इसकी एक और ख़ासियत है कि जो ये आपको दिख रहा है, ये बगल ये साइड ये जो दिख रहा है ना, इसके पीछे का चीज़, ये पीछे जो दिख रहा है ये है टच कंट्रोलर। आप इसको टच करके यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप, ठीक है, यहाँ से आप दोनों कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से ये टच कंट्रोलर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कनेक्ट करके। सो गाइस, जो इसका ये है ऑल स्पेसिफिकेशन से बहुत ही अच्छा है, मतलब कि ईयरफोन भी देखो साउंड कर रहा है, निकालते ही साउंड कर रही है, ठीक है। तो चार्जिंग क्या आपको अच्छा चीज़ दे रहा है, हर चीज़ अच्छी दे रहा है आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये ईयरफोन कैसे लगे ज़ेब्रोनिक के, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई वीडियो, बहुत क्या आपके हिसाब से अच्छी लगी होगी वीडियो। और आप अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये ज़ेब्रोनिक का ईयरफोन कैसा लगा है। और इसी ऐसी कोई एक चीज़ हो जो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि अब ऐसे ही अनबॉक्सिंग न्यू गैजेट्स आपके लिए मैं अपने इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।